Let it go. Auto puts her like whoa. Thing I go. Oh, it over. I see. And you're the better now, girl. Yeah, girl, you cold blood. Yeah, no, I is it that I swear. 제가 먼저 zero. 폭설한 게 children. 꿈에도 I wasn't aware. 나만 빼고 넌 모두에게 참 친절해. 배신감이 들어 단판이 되던 머릿속을 흔들 네 ibuprofen 그만해 it's time to stop 승부욕을 자극하는 style yeah. 알면서도 마음이 자꾸 내게 가 चरण जी गाड़ी का ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट डन हो जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम बाकू अगेन. आज फाइनली बाकू में मेरा लास्ट डे है और प्लान कुछ इस तरह से आज का बना है. दिन तो आज का हमने काफ़ी गुजार दिया है. जाना सुबह था लेकिन दो अराउंड दो ढाई बज चुके हुए हैं. प्लान है आज गबाला जाने का. तो गबाला जाने के लिए बेसिकली यहाँ से 350 किलोमीटर का सफ़र है और बस पे अगर जाएंगे तो 7 मनात में आपको बस मिल जाएगी जो आपको गबाला बस स्टेशन पर ड्रॉप कर देगी जो यहाँ से मिलेगी इंटरनेशनल बस स्टेशन से. एंड हम दो ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि मेरे साथ दो भाई और भी हैं जो लाहौर से हैं. तो हमने कहा वैसे भी इतने सारे हमने पैसे दे देने हैं बस पे जाने के लिए तो बेहतर ये है कि हम एक ऑप्शन दूसरा कंसिडर कर लेते हैं जो कि रेंट अ कार का है. तो अभी ये पीछे आए हुए हैं एक रेंट अ कार पे. वो भाई ऊपर गए हुए हैं पता करने के लिए. बात हुई है उससे 40-50 मनात में अगर गाड़ी मिल जाती है तो फिर हम गाड़ी पे ही अपना रेंट कर लेंगे. गाड़ी को ही रेंट कर लेंगे और गाड़ी पे जाएंगे. अगर वो इसमें नहीं मानता तो फिर हम बस पे जाएंगे. दोनों ऑप्शन हैं तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ज़्यादा ठीक रहता है. तो देन उस पे फिर जो है ना वो लेकर हम गबाला निकल जाएंगे. ये कुछ ऐसा था यहाँ का निर्माण जो होटल्स का एरिया. ये पूरी लाइन में जितनी भी आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये सब होटल्स हैं और जितनी भी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं सारे रेंट अ कार हैं. एंड ये वाली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं रेंट अ कार के लिए. इवन कि आपको SUV भी मिल जाएगी जो करोला है. ये आपको 40-50 मनात में पर डे में मिलेगी. एंड किया वगैरह भी सेम यही है और कुछ और भी हैं. मर्सिडीज़ वगैरह भी मिल जाती हैं यहाँ पे. तो जितना आपका बजट है आप उस हिसाब से गाड़ी ले सकते हैं. चलें जी फाइनली गाड़ी हम लोगों ने ले ली हुई है. ये वाली है किया. किया की कौन सी है ये नाम देखकर बता देता हूँ. और ये पड़ी है हमें 50 मनात की अराउंड पाकिस्तानी 5,000 रुपये पर डे पे. और 3 दिन के लिए हमने ये 150 मनात में ली है. तो गाड़ी के लिए आपको चाहिए जस्ट ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट और आपका वीज़ा और जिस पेज पे स्टैंप लगा होगा उस पेज की पिक्चर वो ले लेंगे. गाड़ी है जी किया रियो और इस तरह की इसकी कंडीशन है. लेफ्ट हैंड ड्राइव है एंड ऑटोमेटिक और 1800 cc की. तो इसने हमें दी है हाफ टैंक दिया है और हाफ टैंक की इसको हमने वापस करना है. चलें जी गाड़ी का ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया है 50 मनात में. और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पुलिस को दिखाने के लिए हैं. एंड ये वाला है कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्होंने जिसने दोस्त ने जो है ना वो रेंट की है उसके नाम का बना हुआ है. वही ड्राइव कर सकता है, कोई दूसरा नहीं ड्राइव कर सकता. और ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं. तो इन केस अगर पुलिस रोकती है तो आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाने हैं. प्लस यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो मैक्सिमम 110 किलोमीटर पर आर है. उससे ऊपर अगर जाएंगे आप तो आपको पेनल्टी लगेगी जो कि 100 to 200 मनात तक की हो सकती है. Thank you.
नहीं जी, सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया बाकू से गबाला का। गबाला की अराउंड 3 घंटे की ड्राइव है, शायद होगा 280 किलोमीटर बाकू से गबाला, और 1 घंटा ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर दिया है। अभी गुबुस्तान नाम का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे रुके हुए हैं और एक जस्ट स्टॉप किया है कि चलो जो है ना वो बीच में, हालांकि ज़रूरत तो कोई नहीं बन रही थी लेकिन चलो स्टॉप कर लिया। वहाँ पे अब थोड़े से माउंटेनियस रीजन स्टार्ट हो गया, पहाड़ वहाड़ स्टार्ट हो गए हुए। आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का एक्सपीरियंस भी, रोड का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छा है। यहाँ पे पुलिस ने अभी तक 100 किलोमीटर के अंदर 2 दफ़ा रोक लिया चेक करने के लिए। आई थिंक यहाँ पे पुलिस ज़्यादा चेक करती है और तंग भी करती है। खैर हमें तो उन्होंने रोका जस्ट टूरिस्ट समझ के जो है ना वो हमें छोड़ दिए, लेकिन रोकती है पुलिस। वो 5-7 मिनट जो है ना वो लग जाते हैं उनको समझाने में। तो कुछ टाउन आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे रुका हूँ वो कैसा है। ये है जी हमारी गाड़ी, और हमने खाने का अरेंजमेंट करना है। खाने का अरेंजमेंट क्या करना है वो ये है, कल वाला खाना जो है ना वो हमारा पड़ा हुआ है तो उसी को अब गर्म करेंगे, जो रात में हमने राइस लिए थे उसी को गर्म करेंगे और उसी को ही खाएंगे। ये है जी कल वाला पुलाव जो रात में हम लोगों ने लिया था, वो बचा हुआ था, वो पैक करवा दिया था। तो अभी फ़िलहाल इनसे गरम वाला ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यही वाला फ़िलहाल ऐसे ही इसको खाएंगे। चलें जी, ये आ गई अज़रबैजान की पहली मस्जिद, हैदर मस्जिद। तो अभी ये बाकू से निकलने के बाद, इवन के बाकू में भी कोई मस्जिद नहीं मिली, उस दिन भी फ्राइडे के दिन भी जो है ना वो जुम्मे के लिए ढूंढ रहे थे, नहीं मिली थी। जिस एड्रेस पे पहुंचे वहाँ पे मस्जिद थी नहीं गूगल पे लगा कर ले। और एक ये अभी नज़र आई है, पता नहीं ये ओपन है या बंद है या क्या सीन है इसका, खुली हुई है। मस्जिद तो खुली हुई है और बस अभी नमाज पढ़ के तो फिर आगे यहाँ से निकलेंगे। आ गया जी सेकंड पॉइंट। यहाँ पे एक छोटी सी लेक है और अच्छा खासा ग्रीन पैच है ये, और छोटा सा रिजॉर्ट भी बना हुआ है। यहाँ पर आकर आप बैठ के चाय वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट ये मिड बन जाता है बाकू से गबाला तक का। तो इफ़ यू आर गोइंग टू गबाला बाकू से, तो यहाँ पे आप ब्रेक करके चाय वाय खाना वाना इंजॉय कर सकते हैं। Believe
चलें जी, ये आ गया दूसरा सिटी। इसका नाम है, पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, समाशी शहर। अब पता नहीं ये एक्स को शीन से प्रोनाउंस करते हैं या किसी और से करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, समाशी शहर। तो उसके साथ ये एक मॉन्यूमेंट है, क्या है लेकिन है, ये बंद है, किला है, मॉन्यूमेंट ही है सिर्फ, सिटी एंट्रेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बनाया हुआ है। तो सिटी सामने नज़र आ रहा है और ये रहा पीछे वो मॉन्यूमेंट। तो यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स विक्चर ले के, तो ये सेकंड सिटी था गवाला की तरफ, इसके बाद मेरा ख्याल है गवाला ही आएगा। चले जी, ये एक जगह है पता नहीं कौन सी, लेकिन गबाला से भी अराउंड अभी स्टिल 50 किलोमीटर पीछे हैं। और ये गोजले में बोलते हैं इसको लोकल, लेकिन वो पराठा टाइप है, ये सब्ज़ी वाला है। और ये आंटी बना रही हैं सब्ज़ी जो होती है ना, ये वाला सब्ज़ा, ये सब्ज़ी है। और इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है बनने के बाद, और यहाँ पे ये बन रहा है। तो ये आपको पड़ेगा तकरीबन 100 रुपये का एक यहाँ पे। और ये चाय है यहाँ की लोकल, जो आजरी चाय है वो बन रही है यहाँ पे। तो मेरा ख्याल एक मनात की ये भी होगी। तो जगह कुछ इस तरह की है यहाँ पे। अब रोड हो गया छोटा और ट्रैफिक हो गया बहुत ज़्यादा छोटे रोड की वजह से, तो इसलिए हम लोगों ने ब्रेक कर लिया ताकि थोड़ा सा रेस्ट करके फिर उसके बाद आगे निकलें। ले जी, फाइनली गबाला पहुंच गए हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने किया है एक विला बुक, जो कि हमें पड़ा है 50 मन्नात का, पाकिस्तानी अराउंड 6000 या 5500 रुपये बनते हैं। और सफ़र जो लगा था वो अराउंड लगा है शायद 3.5 घंटे, लेकिन हम चूँकि बीच में बहुत सारे स्टॉप किए जिसकी वजह से हमें 4-5 घंटे लग गए। तो अंधेरा हो गया यहाँ पे, अभी मगरिब का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है। कैसा विला है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा है कुछ देखने में, ये नीचे वाले पोर्शन में किचन है, दो पोर्शन है, किचन एंड किचन से फिर ये आ गया टीवी लाउंज, डाइनिंग एरिया, और ये ऐसा कुछ है टीवी लाउंज देखने में। फिर उसके बाद आप चलेंगे तो ऊपर, ऊपर वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वॉशरूम इधर नीचे है एंड ये सीढ़ियाँ जाती हैं, सीढ़ियाँ ऊपर। तीन रूम्स हैं, एक ये वाला एंड द सेकंड ये वाला, और ये ऊपर वुडन इसका रूफ टॉप है, और थर्ड ये वाला। तो इस तरह का एक वॉशरूम यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। तो ये रही सीढ़ियाँ जो ऊपर आई, यहाँ से बालकनी है, मैं आ गया हूँ सामने। ये वही नीचे का व्यू, अभी शायद नज़र नहीं आएगा, अंधेरा है बहुत ज़्यादा, तो कल सुबह इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। तो अभी फ़िलहाल चूँकि सफ़र हो गया सारा,
खाना का अरेंजमेंट करना है वो जाकर थोड़ी देर में करते हैं, और फिर उसके बाद अब सोएंगे। कल सुबह उठ के फिर इंशाल्लाह गबाला को एक्सप्लोर करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने आपको ये वीडियो में कोई चीज़ जाननी हो तो मुझे ज़रूर आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम पे मेरे से कांटेक्ट करके। आप इसका एड्रेस और इसका कांटेक्ट भी ले सकते हैं मेरे से। एंड अगर और इसके अलावा बाकू में आपको या अजरबैजान में आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।